हेलो एवरीवन, तोफू पे मैंने पहले भी वीडियो डाले मगर कुछ अपनों के मैसेज आए कि वो जब तोफू बनाते हैं तो एक स्मेल आती है खोलते ही, उस स्मेल को दूर कैसे करें। मैंने बताया था लेकिन आज बताती हूँ। सबसे पहले तो आप तोफू मंगाएं तो ये मसाला तोफू मंगाएं, इसमें स्मेल नहीं है, बहुत कम है, और फिर भी जो स्मेल रहती है उसे कैसे दूर करें वो बताती हूँ। ये देखिए, पैन में पानी गर्म किया और आपको ऑयल भी नहीं लगेगा, उसमें जो हमने धोए छोटे छोटे पीसेस बनाए तोफू इन्हें इसमें दे दीजिए, तो आपको जो फ्राई करने वाला झमेला भी हटा और आपके जो दो तीन चम्मच ऑयल चले जाते वो भी नहीं जाएंगे। अब इन्हें कम से कम आप 3-4 मिनट उबलने दें और इसे आप ढक दें। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि तोफू हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं। मुझे भी पता नहीं था तोफू एक्चुअली होता क्या है। ये देखिए, एक तो इससे सबसे बड़ा लाभ है जिनको लैक्टो इंटॉलरेंस होता है, मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, वो इसे खा सकते हैं, उन्हें मन मार के नहीं रहना पड़ता कि हम पनीर नहीं खा सकते, इफेक्टिव है ये। उसमें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट डिजीज जिनके हैं वो ये खाएं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल रखता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज, इन सब में भी इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और कैलोरीज को, तो बहुत से फायदे इसके। बस जो स्मेल है वो मैंने कहा, अगर आप इस तरह 3 मिनट उबालें और इसे बीच बीच में चलाएं तो ये आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसका एक और फायदा ये है कि जो हमारे वेजिटेरियंस हैं हम लोगों के खाने में प्रोटीन हमें चाहिए, अगर जो जिनसे प्रोटीन मिलती है उनमें कैलोरीज बहुत हो जाती है, तो वेगन डाइट नहीं हो पाता और हम उन्हें अपना वेट रिड्यूस करने में वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, और उन्हें बनाने में हमें ऑयल भी चाहिए। आज तोफू से मैं आपको एकदम जीरो ऑयल, या कह सकते हैं एकदम मिनिमम कुछ ड्रॉप्स ऑयल से देखिए बना के दिखाती हूँ। और कुछ भी नहीं करना होगा, ना आपको बाहर का कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ घर में ही आप ये देखिए प्याज लीजिए और इस तरह उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो टमाटर को इस तरह उसको भी ग्राइंड करके सॉस, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, वो इतना नहीं, फ्यू ड्रॉप्स, बस थोड़ा सा नमक इसमें ऑलरेडी है, नमक नहीं देना होता है मसाला वाले में, और एक नाम मात्र की हल्दी, और आपका एकदम टेस्टी यमी तोफू करी आपको मैं बना के दिखाऊंगी। तो जैसे आज फ्रेंडशिप डे है, कोई भी अच्छा दिन है, आप अपने हर जिसे आप प्यार करते हैं, ये तोफू उबल गए हैं, इनसे 2 ही मिनट में मैं आपको इसकी तोफू से करी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए उबल गए तोफू, अब इनमें आप बस इतना सा ऑयल दीजिए, फ्यू ड्रॉप्स, और ये जब गर्म हो जाए तो पहले हम, क्योंकि प्याज को भी अगर हम ऐसे कच्चा ही रखते हैं टमाटर को तो एक इनकी अपनी स्मेल होती है, तो इसमें आप ये प्याज का जो पेस्ट बनाएं इसे अच्छे से 2-3 मिनट चलाएं। इसमें इस समय हम लोग हल्दी दे देते हैं, हल्दी तो ऐसे भी अच्छी होती है और कलर ला देगी, और जैसा मैंने कहा नमक नाम मात्र का, क्योंकि यार ऊपर से आप बाद में भी ले सकते हैं नमक, और मिर्च भी बहुत थोड़ी, 1/4 चम्मच। अब इन्हें 1-2 मिनट हिला के प्याज को पहले अच्छे से सेक लें। ये देखिए प्याज सिक गई है, खुशबू भी आ रही है, अब इसी में आप टमाटर करी और इसे भी हम लोग 2-3 मिनट सेक के, बस कुछ नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब मसाला सिक गया है, मसाला तो ऐसे कुछ था ही नहीं, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा स्पाइसी हम बना सकते हैं ना, तो आप जैसे रेड चिल्ली है नाम मात्र का थोड़ा सा ये दीजिए, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली दे दीजिए, वो भी थोड़ा ही, और आप चाहें तो गरम मसाला दे, नमक बीच में आप पेस्ट कर लें, कहीं बहुत कम लगे तो आप इसमें, ये देखिए हमारा तैयार। अब इसमें हम ये तोफू सारे दे देंगे, अब इन्हें अच्छे से, बस ज़्यादा नहीं चलाना है, इतना ही कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको करी ज़्यादा करनी है तो आप थोड़ा गर्म पानी करके और दे सकते हैं, और अगर ऐसे ही है, अब इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं खिले खिले भी हैं तोफू, और इसमें करी भी दिख रही है, और आपके पास अगर ऊपर से और कुछ देना चाहें, कुछ भी जरूरत, देखिए आपका कंप्लीट तोफू करी तैयार, इसे आप चपाती के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा, कैलोरीज भी बहुत कम है और बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये रही आपकी तोफू करी, मसाला तोफू करी, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है, आप भी बनाएं, ट्राई करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस।